बाजार चौक स्थित चार्जर बार के सामने दिनांक 1 मार्च की रात करीब 10 बजे के लगभग रास्ते पर लघु शंका कर रहे आरोपी को टोकने पर आरोपी व उसके साथीदारों ने मिलकर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जख्मी प्रकाश अजाब ख्यार पहल पार सामने निवासी कल रात करीब 10 बजे के दौरान अपने घर वापस जा रहा था कि बाजार स्थित चार्जर बार के सामने आरोपी बबलू उर्फ कृष्णा तिवारी व शिव प्रताप राव रास्ते पर लघु शंका कर रहे थे। उन्हें जख्मी ने रास्ते पर लघु शंका करने से मना किया, जिससे आरोपी उसे उलझ गए और गाली गलौज कर उसे मारपीट करने लगे। तभी आरोपी बबलू ने प्रकाश के सर, गर्दन, पीठ और कंधे पर धारदार चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गए। घटना के समय उसी रास्ते से घर वापस जा रहे फिरियादी सुभाष ग्यार ने घटना की जानकारी सामने पुलिस को दी। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही थानेदार मारुति मोयक अपने अधिकारी और कर्मचारियों के साथ घटना स्थल पहुँच कर गंभीर रूप से जख्मी प्रकाश ग्यार को उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र सामने रवाना कर आरोपियों की तलाश में जुट गए तथा कुछ ही समय में आरोपी बबलू तिवारी उर्फ मन्या सुरवे उम्र 25 तथा उसका साथीदार शिव प्रताप राव उम्र 35 दोनों सावनीर निवासी को गिरफ्तार किया गया। फिरियादी सुभाष ग्यार की मौखिक रिपोर्ट पर अपराधियों के खिलाफ कई धाराओं के अनुसार मामला दर्ज कर पुलिस उपविभागीय अधिकारी पूजा गायकवाड़ तथा थानेदार मारुति मोयक के मार्गदर्शन में एपीआई सतीश पाटिल, पीएसआई सागर कारंडे, पुलिस हवलदार विशाल इंगोले, प्रकाश ठोके, बंडू कोकाटे, सुरेंद्र वासनिक आदि जांच कर रहे हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों ने उक्त जानलेवा घटना से पूर्व भी 2-3 जगह तू-तू मैं-मैं कर दहशत फैलाने की कोशिश की तथा खुद को मन्या सुरवे समझने वाले बाबू तिवारी उसके साथी शिव प्रताप पर खुलेआम तलवार लेकर बाजार में दहशत फैलाने की खबरें तथा वैसे गंभीर अपराध दर्ज होने की जानकारी निकल कर आ रही है। वही शहर में बढ़ती गुंडागर्दी से स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई दे रहा है, तो वही खुद को गैंगस्टर मन्या सुरवे समझकर खुलेआम उत्पात मचाकर दहशत का वातावरण निर्माण करने वाले छोटू भैया आपराधिक तत्वों से सख्ती से निपटकर शहर में शांति बहाल करने की मांग उठने लगी है। कल 1 तारीख को करीबन 10 बजे यह जो आरोपी है बबलू उर्फ कृष्णा जगदीश तिवारी और शिव प्रताप नागेंद्र राव, ये दोनों चार्जर गियर बार है, वो आशित आरोपी क्या है, उसमें से जो बबलू है वो रास्ते पे ही पेशाब करने के लिए कर रहा था, तो जो जख्मी है फिरियादी उन्होंने उनको पूछा रास्ते में क्यों पेशाब करते हैं। करीबन 10 बजे के दरमियान की घटना है रात की, क्यों पेशाब कर रहा है ये पूछने पे उन्होंने उसको फिरियादी को गाली गलौज की और उसमें से एक आरोपी उन्होंने उसके ऊपर चाकू हमला किया है। उसके ऊपर 337 के अनुसार 126 CR नंबर दाखिल किया है। आरोपी कस्टडी में है, अभी आज ही उनको कोर्ट में PCR के लिए पेश कर रहे हैं। इसमें से वो जो हथियार का इस्तेमाल किया था वो भी जब्त किया है, हथियार जब्त हो गया है। ऐसा भी सुना जा रहा है कि ये थोड़े से गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, इसके ऊपर में पुराने भी कुछ गुने हैं। जो बबलू है उसके ऊपर पुराने गुने हैं, उसके ऊपर इसके पहले भी हमने प्रतिबंधक कार्रवाई की है। BCN न्यूज के लिए सामने से किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।